Ez az volt a Szazar Békeli Gondban Ég a Krompati. Hi guys, welcome to my YouTube channel. मैं हूँ अलिशबा अंजुम और ये मेरी पहली वीडियो है. इस वीडियो में मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी जो आप मुझसे सबसे ज़्यादा पूछते हैं. तो हम शुरू करते हैं. मैं मीता बच्चन का छोटा बेटा. कौन बनेगा करोड़पति में पहला सवाल है आपका अलिशबा अंजुम. ये स्क्रीन के सामने आपका सवाल 10,000 रुपये के लिए. तो पहला क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आप स्माइल क्यों नहीं करती हैं. मैं स्माइल इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे अपनी स्माइल नहीं पसंद. आप देखते हैं कि मैं साउंड्स म्यूजिकली पे ऐसे नहीं लेती जिसमें मुझे स्माइल करनी पड़े, जिसमें हंस रही हो लड़की, या कोई पिक्चर में ऐसे नहीं लेती जिसमें मुझे स्माइल कर रही हूँ मैं कोई, क्योंकि मुझे अपनी स्माइल पसंद नहीं है. दूसरा सवाल है आप अपने कपड़े कहाँ से खरीदते हैं. पाकिस्तानी ब्रांड्स के कपड़े पहनती हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ. जैसे आउटफिटर्स हैं, इंजन है, ब्रेकआउट है और ऐसे काफ़ी ज़्यादा. और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके शादी करने के क्या प्लान है. अभी तो मैं काफ़ी छोटी हूँ और इंशाल्लाह जब मैं कुछ बन जाऊँगी, पुलिस ऑफिसर बन जाऊँगी, तभी इंशाल्लाह मैं शादी करूँगी. अगला क्वेश्चन है रात को सोते वक्त आखिरी सोच किसकी आती है और सुबह उठकर सबसे पहला ख्याल किसका आता है. रात को सोते हुए ये ही होता है कि मैं क्या खाऊँ क्योंकि मुझे भूख लगती रहती है, और सुबह उठ के भी होता है कि मैं नाश्ता क्या करूँ. अगला क्वेश्चन है कि दोनों में से कौन सी अच्छी दोस्त है. होता ऐसे है कि इस बहन से लड़ाई हुई है तो ये वाली बहन अच्छी दोस्त बन जाएगी, इससे लड़ाई हुई है तो ये वाली बहन अच्छी दोस्त बन जाएगी. ऐसे ही होता है, लड़ाई होती है बहनों में तो दोनों अच्छी दोस्त हैं, बस लड़ाई करने की देर होती है. अगला सवाल है annoying and most favorite habit of each other. चिढ़ती मैं तब हूँ जब ये लोग मुझ पर रोब जमाने लग जाती हैं क्योंकि ये लोग मुझसे बड़ी हैं तो कोई काम कहते हैं और रोब डालती हैं तो मैं काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती हूँ क्योंकि छोटे पे कौन रोब डालता है, छोटा सब पे रोब डालते हैं. मैं घर की सबसे छोटी बेटी हूँ तो इसलिए मैं चिढ़ती हूँ इससे कि ये क्यों मुझ पर रोब डाल रही है, मैं डालती हूँ इन पर रोब. क्वेश्चन है किस बात पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है. जब कोई मेरी बात नहीं मानता, जब मेरी कोई बात सुनता नहीं है, जब मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, मुझे इग्नोर करता है, तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. जब कोई किसी दूसरे से प्यार करे मुझे ना करे, मतलब किसी दूसरे के लिए मुझे इग्नोर करे, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है. जैसे मेरे मामा पापा हैं, मेरी बहनें, अगर वो किसी दूसरे से प्यार करती हैं और मुझसे भी करती हैं लेकिन उससे क्यों कर रही हैं, मुझसे ही करें ना सिर्फ, तब इस बात में मुझे बहुत गुस्सा आता है. अगला क्वेश्चन है कि आप जापान से हैं या पाकिस्तान से. हम लोग पाकिस्तान से हैं और हम जापान समर वेकेशन के लिए गए थे जो कि हम समर वेकेशन ख़त्म होने के बाद गए थे. अब इंशाल्लाह हम दोबारा जाएंगे. वैसे मुझे जापान इतना पसंद नहीं है, पाकिस्तान जो है वो मेरी फेवरेट जगह है क्योंकि आप जिस जगह पैदा होते हो, आप जिस जगह पे रहते हो शुरू से, आपको वही जगह पसंद है चाहे कोई दूसरी जगह लाख दर्जे अच्छी क्यों ना हो. उससे मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है. पाकिस्तान जाना चाहूँगी अगर मुझे कहीं मौका भी मिला किसी और जगह जाने का, मैं पाकिस्तान को चूज़ करूँगी. मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगी. और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है कि आप कितनी बहनें हो. हम तीन बहनें हैं, सहर, जन्नत और मैं अलिशबा, और मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे पास जन्नत है और सबसे बड़ी सहर है. और अगला सवाल है बहनें हो तीन तो कभी कंपटीशन आया बीच में. बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ चुके हैं हमारे बीच में. जो हमारे नाना और जो हमारी दादो थी वो हमारे बीच कंपटीशन रखती थी कि, मतलब जो बच्चों के लिए होते हैं कि जिस कलरिंग बुक हमें ला कर देते थे हमारे दादा अबू, तो हमारी दादू कहती थी कि जिसने सबसे अच्छे कलर किए मतलब एक पेज पर तो उसको प्राइज़ मिलेगा. और ऐसे ही हमारे दादा ने भी एक रखा हुआ था कि जो सबसे पहले सुबह सुबह उठ के मेरे पास तैयार होके आएगा उसको भी प्राइज दूंगा. आखिरी सवाल मेरे कजिन्स के साथ, आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है. मेरी ज़िंदगी का मकसद ये खाना है. और ये क्या है. ये है मफिन, इससे मेरा सर का दर्द ठीक होता है. आप भी इसे ट्राई करके देखिए. और आपकी मेरी ज़िंदगी के वैसे तो वो मकसद है लेकिन एक मकसद फिलहाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको, वो ये है कि फिट होना, जिम जाना जो हो नहीं रहा पूरा. मेरा भी यही हाल है. और मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, कोई ऐसा काम करना कि
कि मुझे कुछ करने ना पड़े क्योंकि मैं बहुत आराम पसंद लड़की हूँ, मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बस मैं सोती रहूँ खाऊँ सोती रहूँ खाऊँ और बस मोटी रहूँ, ये मुझे जिंदगी का मकसद है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ कैसी बनाऊँ। अब मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।